सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल फॉर पीपल हु नो मी एंड पीपल हु डोंट नो मी. हाई माई नेम इज ध्रुवी एंड आई बी रियली हैप्पी इफ यू टेक मोमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल बिलो एंड हैप्पी गुड़ी पाड़वा इन एडवांस. हैप्पी न्यू ईयर. ये साल हमारे लिए सबके लिए काफ़ी अच्छा फुलफिलिंग हो एंड शुभेच्छा तुम्हारा गुड़ी पाड़वा जी. सो प्लीज़ मेरे को माफ़ कर देना अगर मैं ना ऐसे बहुत कुछ अजीब अजीब हरकतें कर रही हूँ अगर इस वीडियो में. मैंने अब तक क्लिप्स नहीं देखे हैं, मुझे नहीं पता, मुझे ऐसे लग रहा है बिकॉज काफ़ी अजीब हो गया था. काफ़ी टाइम बाद मैंने एक यूट्यूब वीडियो वो भी मेकअप ट्यूटोरियल के ऊपर बनाया है. मेरे को ऐसा लग रहा था मैं भूल गई हूँ कैसे शूट करना है. बाय द वे आई एम रियली सॉरी फॉर दैट पीपी वाला नॉइज़ बिकॉज आई कांट हेल्प इट. बहुत ज़्यादा ही आवाज़ आ रही है आज, पता नहीं क्यों सबको. आज ही बाहर निकलना है, चलो आज ध्रुवी फिल्म कर रही है, चलो हम लोग आज बाहर लेके जाएंगे गाड़ी और पीपी पीपी बजाते बैठेंगे. एनीवेज सो दिस इज द ट्यूटोरियल आई एम गोना बी शोइंग यू ऑन दिस वीडियो. और मैं थोड़ा थोड़ा सा मराठी में भी बात करी बीच में, अगर आपको कुछ भी गलती हो गया होता है आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. आई एम नॉट दैट फ्लुएंट इन मराठी, मी एवढी चांगली नाही आहे मराठी बोलण्यात, पण जेवढा येतं मला तेवढं मी बोलली आहे, खूप चांगलं बोलली. ओके सो मैंने ये पूरा लुक मेरी मम्मा की साड़ी के ऊपर किया. ये मैंने साड़ी सिर्फ पल्लू लगाया था नीचे, मैंने उसको ड्रेप नहीं किया था, सिर्फ पल्लू लगाया. अभी मैंने ड्रेप कर लिया है तो क्योंकि मुझे पिक्चर्स वगैरह भी निकालने थे एंड बहुत कुछ करना, बहुत बात कर रही हूँ मैं. एनीवेज तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो पूरा वीडियो देखो, मैंने अच्छे से स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है क्या करना है सब कुछ अच्छे से बताया है. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन कीप ऑन वॉचिंग. स्किन केयर, स्किन केयर इज अ मस्ट. स्किन केयर नहीं करोगे आप तो आपका मेकअप काफ़ी और मतलब एकदम ड्राई लगेगा. अगर आपका स्किन ऑयली है तो बहुत ज़्यादा ऑयली लगेगा, या फिर आपका स्किन ड्राई है तो काफ़ी ज़्यादा ड्राई लगेगा. सो स्किन केयर बिफोर मेकअप इज रियली इम्पॉर्टेंट, सो डू नॉट स्किप स्किन केयर. तो पहले स्किन केयर कर लेंगे उसके बाद में हम मेकअप स्टार्ट करेंगे. सो आई वॉश माई फेस रियली प्रॉपरली. मेक श्योर यू वॉश योर फेस बिफोर डूइंग स्किन केयर और मेकअप. सो उसके बाद मैं जो करूँगी वो है टोनिंग, क्योंकि जो टोनर से हमारे जो पोज वगैरह रहते हैं या एक्स्ट्रा ओपन पोज रहता है ना वो थोड़ा मिनिमाइज करने का ट्राई करता है एक टोनर. सो दिस इज़ द टोनर आई एम गोना बी यूजिंग. दिस इज़ फ्रॉम प्लम गुडनेस, दिस इज़ द टी ट्री एल्कोहल फ्री टोनर. तो मैं इसको ऐसे अपने हाथ पे लेती हूँ. आप चाहिए तो क्या बोलते हैं इसको, कॉटन पे भी ले सकते हो या फिर वो स्प्रे वाला भी आता है वो भी यूज़ कर सकते हो आप लोग. सो टोनिंग आपला झाला आहे, त्याच्यानंतर आपण यूज करणार आहे मॉइश्चरायझर. जैसे की अभी गर्मी का टाइम चालू आहे तो हम लोग क्रीम बेस्ड मॉइश्चरायझर नाही यूज कर सकते, त्याच्या व्याजी आपण हे असे जेल बेस्ड मॉइश्चरायझर यूज करू शकतो. जे मी यूज करणार आहे ते आहे मायग्लॅमचं यूथफुल मॉइश्चरायझर, जे द हायड्रेटिंग मॉइश्चरायझिंग जेल विथ वॉटर बँक, वॉटर बँक ना, वॉटर बँक टेक्नॉलॉजी. अँड दिस इज वॉट इट लुक्स लाईक, एकदम जेल कन्सिस्टन्सी है. और अगर आपका ऑइली स्किन है सो यू कॅन यूज दिस काइंड ऑफ जेल बेस्ड प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग समर्स. सो आय एम गोना जस्ट टेक अ व्हेरी नाईस अमाऊंट ऑन माय हँड अँड देन स्प्रेड इट ऑल ओवर माय फेस. सो मॉइस्चराइजिंग इज डन. अगर आपको और थोड़ा मॉइस्चराइजर की ज़रूरत हो तो आप फिर से उसके ऊपर कोई और मॉइस्चराइजर टॉप अप कर सकते हैं, या फिर वही सेम मॉइस्चराइजर जो आपने पहले यूज़ किया था वही यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट स्टेप इज सनस्क्रीन. सनस्क्रीन गर्मी के टाइम में तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. जर तुम्ही घरी राहता बाहेर नाही जात तरीही सनस्क्रीन लावायचं, कारण की जे बाहेरचे रेज आहेत आणि घरातले जे रेज आहेत ते सगळे आपल्या स्किनला खूप प्रॉब्लेम करतात, म्हणूनच आपण सनस्क्रीन यूज करायचं. आणि जे मी सनस्क्रीन यूज करणार आहे ते एक मॅट फिनिश सनस्क्रीन आहे, कारण की समर्सच्या टाइमला आजर का आपण एकदम ऑइल बेस्ड किंवा एकदम ऑइली ऑइली स्टिकी स्टिकी सनस्क्रीन यूज केलं तर त्याने पूर्ण आपला मेकअप एकदम मेल्ट होऊ शकतो. त्यामुळे आपण एक सनस्क्रीन यूज करतोय जे एक
काय बोलतात त्याला मॅट फिनिश आहे. तर हे वाला सनस्क्रीन मी यूज करते. दिस इज फ्रॉम जेम ब्लू बायोकेअर स्पोर्ट्स सनस्क्रीन. हा स्पोर्ट्स सनस्क्रीन ह्याला का म्हणतात, कारण की ह्याच्यात SPF 80 आहे. दिस SPF 80, सो दॅट्स वाय आय यूज दिस. क्युकी ज्यादा टाइम अगर आप बाहेर रहते हो सो यू कॅन यूज मोर SPF, सो दॅट्स वाय आय बी यूजिंग दिस. So yeah, we are done with moisturizing, sunscreen, toning and everything. So we are going to be jumping into makeup. So I'm going to zoom you a bit taki pura acche se jo main process kar rahi hu wo sab kuch clearly dikhe aapko. So yeah, I got you a little bit closer so you can see what I'm doing. Jo kuch bhi. So thoda sa mujhe na mera skin aise dry lag raha hai. So what I'm gonna do, I'm gonna prime my face. अगर आप prime नहीं करते हो so it's okay. It's nothing about priming. It's compulsory. Compulsory है उनके लिए जिनके बहुत ज़्यादा large pores होते हैं यहाँ पे, उनके लिए ही priming compulsory है. अगर आपको pores नहीं है so you can skip that. So क्योंकि मेरे ज़्यादा pores नहीं है face पे so I'm gonna skip priming. I usually don't prime my face that usually. डायरेक्टली आई एम गोइंग टू डू माय मेकअप. सो सबसे पहले हम बेस करेंगे, देन वी आर गोइंग टू डू द फर्स्ट स्टेप ऑफ मेकअप इज कलर करेक्टिंग. अगर आपके बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं लाइक मी, और आपको बहुत ज़्यादा स्पॉट्स है फेस पे लाइक ब्राउनिश और ब्लैकिश समथिंग काइंड ऑफ दैट, सो यू कैन यूज अ कलर करेक्टर विच इज़ ऑफ अ शेड लाइक रेड, ऑरेंज और पीच. तो मैं रेड अगर यूज़ करूँगी तो कुछ ज़्यादा हो जाएगा मेरे डार्क सर्कल्स के लिए. सो आई एम गोना बी यूजिंग अ पीच कलर करेक्टर. सो दिस इज़ द कलर करेक्टर आई एम गोना बी यूजिंग. दिस इज़ फ्रॉम इनसाइट. दिस इज़ द इनसाइट कलर करेक्टर इन द शेड C6. सो व्हाट आई एम गोना डू, थोड़ा सा इसको ऐसे वॉर्म कर लूँगी एंड देन आई एम गोना अप्लाई इट अंडर माई आई. तो देखा आप लोगों ने कैसे मेरे डार्क सर्कल्स इंस्टेंटली कम हो गए इस कलर करेक्टर से. दिस इज़ अ वेरी नाइस कलर करेक्टर. इफ़ यू आर फाइंडिंग अ वेरी नाइस एंड अफोर्डेबल कलर करेक्टर, गो विद दिस कलर करेक्टर. इट्स 110 या 100 के आसपास का आता है. यू कैन ट्राई दिस. सो या आई हैव डन विथ माई कलर करेक्शन. मैंने अंडर आइज पे किया है, अपने आईलिड्स को किया है, थोड़ा सा साइड का जो नोज का साइड होता है वहाँ पे, एंड माई अपर लिप्स. सो मैंने उसको अपने हाथों से ब्लेंड कर लिया है, सो नो नीड ऑफ अ ब्यूटी ब्लेंडर. नाउ क्विकली आई एम गोना जम्प इन टू फाउंडेशन. इफ यू हैव यूज अ ऑरेंज और अ रेड कलर करेक्टर, मेक श्योर यू यूज अ वेरी, नॉट अ वेरी मीन्स योर शेड का कंसीलर, ताकि वो थोड़ा सा हाइड हो जाए एंड देन आप उसके ऊपर फाउंडेशन लगाओ. अगर आप डायरेक्ट फाउंडेशन लगाओगे तो काफ़ी अजीब सा रेडिश टोन आएगा उसके अंदर. सो मेक श्योर यू हाईलाइट योर दीज पॉइंट्स, ताकि एकदम रेडिश ना लगे और एकदम नेचुरल टोन में लगे. आप आपके खुद के टोन में भी जा सकते हो, डोंट गो ऑन अ वेरी लाइटर शेड, क्योंकि वो ग्रे कर देगा और उसका कुछ यूज़ नहीं होगा. सो मेक श्योर यू गो ऑन अ वेरी न्यूट्रल शेड विच इज़ क्लोज टू योर स्किन टोन. सो फॉर फाउंडेशन आई एम गोना बी यूजिंग अ स्टिक फाउंडेशन. आई एम लविंग दीज डेज. इट्स अ वेरी नाइस एंड अफोर्डेबल फाउंडेशन. यू कैन यूज इट एज अ कंसीलर एज वेल, बट मुझे ना थोड़ा सा येलोइश अंडरटोन काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे फेस पे. सो आई यूजली यूज दिस एंड देन उसके ऊपर एक मैट फाउंडेशन थोड़ा सा हल्का सा टॉप अप कर देती हूँ, ताकि वो थोड़ा सा मैट फिनिश दे दे मुझे. द फाउंडेशन आई एम टॉकिंग अबाउट इज दिस. दिस इज द ओलिवियाज इंस्टेंट वाटर प्रूफ मेकअप स्टिक एंड दिस इज वॉट इट लुक्स लाइक. This is what it looks like. It has a bit नहीं कुछ ज़्यादा ही yellow undertone, but this yellow is not that warm कि आपको थोड़ा सा अजीब सा लगे, आपके फेस पे ज़्यादा ही yellow लगे. It's not that yellow. It has a bit of neutral undertone in this, and the shade is Linling yellow 07. तो अभी मैं क्या करूँगी, अपने फेस पे इसको अच्छे से ऐसे लगा लूँ.
and I'm gonna blend it with this kind of a brush. So as I said, I'm gonna be using another foundation on top of this. So this is the foundation I'm gonna be using. This is the Blue Heaven Hyper Matte Foundation. It also has SPF in it. It's lightweight as well, तो आपको एकदम ज़्यादा भी heavy नहीं लगेगा. अगर आपको इसको full coverage बनाना है, तो आप इसको क्या बोलते हैं? I just took this much of the foundation. उसको अपने फेस पे अच्छे से ब्लेंड करो. So yeah, this is what my foundation looks like. Not too yellow, not too neutral. तो वो जो foundation मैंने use किया वो neutralize कर देता है थोड़ा सा yellowish tone को. So yeah, I like that kind of look these days. So you can also try this. तो अभी मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है. नाउ आई एम गोना बी कंसीलिंग अ बिट, क्योंकि ज़्यादा भी कंसीलिंग नहीं करना है मुझे, क्योंकि आई हैव अ वेरी लाइट शेड ऑफ अ कंसीलर. सो या, सो दिस इज द कंसीलर आई एम गोना बी यूजिंग. इट्स अ वेरी लाइट शेड ऑफ अ कंसीलर, सो आई लाइक टू यूज इन अ वेरी लेस अमाउंट. So as you can see, काफ़ी अच्छा कवरेज दे दिया है इसने मुझे. इट्स अ वेरी लाइट शेड ऑफ अ कंसीलर, सो आई लाइक टू यूज अ वेरी मिनिमम. मैंने दिखाया नहीं ना कौन सा कंसीलर है. दिस इज द स्विस ब्यूटी लिक्विड कंसीलर इन द शेड 02. हाँ, इन द शेड 02. तर आपलं बेस झालं आहे. आता मी आता बेक करणार आहे. मी जास्त बेकिंग नाही यूज करणार आहे, कारण की सगळं हे मॅट होतं आणि माझी स्किन थोडीशी ड्राय ड्राय फील करते. मी मुद्दाम केलं आहे कारण की बाहेर जर का आपण गेलो आणि एकदम ह्युमिड क्लायमेट आहे, इसके लिए मैं थोडा सा ड्राय और मॅट फाउंडेशन की तरफ गई हूँ. सो यू कॅन ऑल्सो ट्राय दिस. सो आय एम गोना बी जस्ट बेकिंग माय अंडर आईज, नॉट टू मच ऑफ माय फेस. सो मैं जस्ट बेक कर रही हूँ, बेकिंग भी यूज़ नहीं कर रही हूँ. मैं कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करने वाली हूँ. सो दिस इज द कॉम्पैक्ट पाउडर आई एम गोना बी यूजिंग. दिस इज द Maybelline Fit Me कॉम्पैक्ट पाउडर इन द शेड नेचुरल बफ. सो आई एम गोना टेक ऑन माय ब्यूटी ब्लेंडर. Finished baking my under eyes. Baking my under eyes. So I'm gonna be doing my cheeks. मैं cheeks के लिए एक hack use जो मैंने आपको बताया था insta पे, वही मैं same hack use करने वाली हूँ. तो पहले liquid blush use करूँगी, उसके ऊपर मैं एक compact powder powder blush use करूँ. So for liquid blush I'm gonna be using this Earth Rhythms lip and cheek tint. This is in the shade, पता नहीं यार शेड ही नहीं लिखा है, रेड रेड में है शेड, रेड. वाओ. सो मैं इसको अपने थोड़े से चीक्स पे लगा लूंगी एंड देन आई एम गोना बी ब्लेंड इट विथ माय ब्यूटी ब्लेंडर. So I'm gonna set it with a powder blush. So this is the powder blush I'm gonna be using. This is the My Glam K Play Peach Blush. Don't mind the packaging. Packaging काफी अच्छा था, but मैंने उसको crop कर दिया है क्योंकि वो पता नहीं क्या लगी उसके ऊपर. So this shade is peach, I think. So face को इतना ही रखेंगे हम लोग. Now अभी हम लोग करेंगे अपने आईज. तो आईज के लिए मैं काफ़ी न्यूट्रल्स ले रही हूँ, ज़्यादा ओवर द डू नहीं करूँगी, क्योंकि नॉर्मली थोड़े टाइम के लिए हम लोग इतना ओवर आईज नहीं करते हैं. सो आई एम गोना बी डूइंग अ वेरी नाइस एंड सटल आई, जो आप सब लोग अचीव कर सकते. तो
आई शेडो पैलेट आई एम गोना बी यूजिंग दिस हुडा ब्यूटी रेट्रोगेट मर्क्यूरी रेट्रोगेट पैलेट. सो आई एम गोना बी टेकिंग द शेड कर्मा. दिस इज व्हाट इट लुक लाइक कर्मा. So to get a bit of color, I'm going to be using this shade called Off Balance. So this is what the shade looks like, Off Balance. So to intensify it a bit, I'm going to be using this shade called Hot Mess. So this is what the shade looks like, Hot Mess. So I am done with my crease and my outer corners. So I think I'm gonna be using this shade Supernova, this shade for my lid, because mera sari ka color kind of pink hai, rani pink and green. Main green to laga nahi sakti. So I'm gonna be using this shade called Supernova. I'm gonna be using my fingers, Karan ki fingers. Main Marathi bolna hai, bolne aayi thi na mix mein bhul gayi. To bhai. मैं यूज़ करना है शेड सुपरनोवा एंड आई एम गोना बी यूजिंग माई फिंगर्स जस्ट बिकॉज उससे अच्छा पिगमेंट आता है. तो तुम्ही ही हे ट्राई करू शकता आपला फिंगर यूज करायचं, कारण की जे ग्लिटर शेड्स असतात ना ते फिंगर्सनी काफी अच्छा पे ऑफ देतात. सो आई यूजली डोंट लाईक टू मेक अ liner or a wing eyeliner. So what I do, I make it a very nice and a subtle fake wing eyeliner. So this is the shade I'm going to be using to kind of make a fake wing liner. So this is the shade called Vortex whatever. So yeah, I am done with my eyes. We are just left with our eyebrows and our eyelashes. So eyelashes main nahi lagane wali hu. I'm going to be just coating my lashes with mascara. So I'm just gonna brush off my eyebrows to just get them cleaned. Main eyebrows nahi kar rahi hu kyunki maine apne eyebrows abhi karaye the. So they are in quite good shape. तो मैं उसको फिल नहीं करूँगी, नहीं तो एकदम ज़्यादा डार्क दिखेगा. सो वी आर गोना बी डूइंग आर आई लैशेज में कर्ल कर लेती हूँ एंड देन वी आर गोना अप्लाई आर मस्कारा. सो आई हैव जस्ट कर्ल्ड माय लैशेज. सो मैं अभी मस्कारा लगाने वाली हूँ. सो मस्कारा आई एम गोना बी यूजिंग इज दिस फ्रॉम माई ग्लैम. दिस इज द माई ग्लैम ट्विस्ट इट वॉल्यूमाइजिंग एंड कर्लिंग मस्कारा. ये मस्कारा खूपच चांगला आहे आणि जर का तुम्ही बजेटवर आहात तर तुम्ही ह्याच्याऐवजी ते मेबलिनचा येलोवाला कलॉसम मस्कारा तुम्ही तेही ट्राय करू शकता. तेही खूप चांगलं आहे आणि हे जरासं 700-900 आसपास येतं, म्हणून मी बोलते त्याच्याऐवजी तुम्ही ते घेऊ शकता. तुम्ही हे कर्ल पण करू शकता, म्हणजे हे करून खालून असं खालून तुम्ही ट्विस्ट पण करू शकता. This one is good for curling your lashes, so I just curled it and so I just applied my lipstick. मैंने lipstick का shoot किया था पर मैं recording on करना भूल गया. I'm so sorry. The shade I used are two shades from My Glam. The first shade is Boo and the second shade is Micro Cheating. This is from their range called My Glam Lit Liquid Lipstick. तो ये दो शेड था. I'm gonna be using this shade to mute down a bit. थोड़ा सा ये शेड थोड़ा सा mute down करने के लिए. Thank you.
इथे आहे आपलं फायनल लुक. तुम्ही बघत असाल की हे किती इझी होतं आणि किती सोपं आणि काय म्हणतात त्याला किती कमी प्रोडक्ट्समध्ये आपण हे लुक क्रिएट केलेला आहे. तुम्ही तुमच्याप्रमाणे तुम्हाला जसं आवडतं त्याप्रमाणे तुम्ही हा लुक क्रिएट करू शकता. आणि मला कमेंट सेक्शनमध्ये नक्कीही सांगा की तुम्हाला कसं वाटलं आहे हे लुक. आणि ह्याचं मी फुल लुक इन्स्टावर पोस्ट करणार आहे, तर तुम्ही नक्की ते बघा आणि मला सांगा की मी कशी वाटते. आणि हॅपी गुढी पाडवा टू यू इन ॲडव्हान्स, क्युकी मी हे पहिले पोस्ट कर दूंगी तो गुढी पाडवा के दिन तो नहीं बोल सकती ऐसे विजुअली, तो इसके लिए मैं ऐसे बोल रही हूँ अभी. सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई रियली होप यू एंजॉयड इट. डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी. एंड या डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम एज वेल. आई सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय.